इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। खबर अमेठी से है, जहां अमेठी ब्लॉक के पंचायत सहायकों ने आज अमेठी ब्लॉक में दर्जनों की संख्या में कार्य बहिष्कार का विरोध करते हुए खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन देने पहुंचे, लेकिन पंचायत सहायकों का आरोप है खंड विकास अधिकारी के द्वारा उनसे ज्ञापन नहीं लिया गया। वहीं पंचायत सहायकों ने बताया कि हम लोगों की नियुक्ति डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर 6,000 रुपये प्रतिमाह संविदा कर्मचारियों के रूप में हुई है, जिनमें निर्देशित किया गया था कि पंचायत सहायकों को डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में पंचायत कार्यालय में काम करना है। वर्तमान समय में हम लोगों की स्थिति ये है कि प्रत्येक विभाग, चाहे वह स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग, समाज कल्याण विभाग को सभी का कार्य करने के लिए मानसिक रूप से प्रताड़ित करके कार्य कराया जा रहा है, जो कि हम लोग कार्य करने में असमर्थ है। हम लोगों के द्वारा जो कार्य करने में समर्थ थे उतना कार्य किया गया, जैसे कि पेंशन, KYC, PMKYC, आयुष्मान कार्ड, शौचालय सर्वे, नार्स सर्व, BLO, जनसेवा केंद्र आदि कार्य किए गए। लेकिन 2 दिन पूर्व मीटिंग की गई, जिसमें राजस्व संबंधी क्राफ्ट सर्वे, जो कि पूर्व में लेखपाल के द्वारा किया जा रहा था, वह कार्य जबरन पंचायत सहायकों के ऊपर थोपा जा रहा है। आज ऐसी स्थिति आ चुकी है कि हर पंचायत सहायक नौकरी छोड़ने पर विवश हो गया। ऐसे में डाटा एंट्री ऑपरेटर का कहना है कि अगर हमसे ये कार्य कराया जाए तो हम लोगों को अस्थायी नियुक्ति प्रदान करें, जिससे पंचायत सहायक अपनी पूर्ण क्षमता के साथ विभाग को अपनी सेवाएं देकर, अगर हमारी ये मांगें पूरी नहीं होती है तो हम सब इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे, अन्यथा की स्थिति में हमें इच्छा मृत्यु का आदेश दिया जाए। क्या नाम है आपका? आशुतोष तिवारी। किस पद पर? ग्राम पंचायत सैदपुर में पंचायत सहायक नियुक्त हैं। किस मामले को लेकर आप लोग अमेठी आए हैं? हम यहाँ अपने शोषण के विरुद्ध आए हैं। दरअसल हमारी नियुक्ति जो है डाटा ऑपरेटर के रूप में हुई थी हर पंचायत, मतलब हर ग्राम सभा में। इस हम लोग वहीं बैठते हैं, हमारे लिए ऑफिस बनाया गया है, लेकिन हम लोग डाटा ऑपरेटर कम जो है, दूसरे के सहायक ज़्यादा हो गए हैं। हर जो है हर विभाग से हम लोगों को कार्य दिया जा रहा है। राजस्व विभाग से कल एक मीटिंग हुई, जिसमें हम लोगों को क्राफ्ट सर्वे कराए जाने के संबंध में मीटिंग हुई है, और उसके विरुद्ध में हम लोग यहाँ आए हैं। अगर हम लोगों को अस्थाई कर दिया जाता है तो हम लोग इस सर्वे को करने के लिए तत्पर रहेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे खामियां हैं कि उसमें अगर करने लग जाएंगे तो हम लोगों का जिंदगी जो है उसी में ख़त्म हो जा रहा है। तो ज्ञापन देने आए थे सर, मुलाकात हुई, लेकिन सर ने ज्ञापन लेने से मना कर दिया। कौन मना किया? BDO सर बोले कि पहले आपको सूचित करना चाहिए था ज्ञापन देने के लिए, उसके बाद आना चाहिए था आप लोगों को, इसीलिए हम ज्ञापन लेते। इसको राजनीतिक मंच बोल के जो है ज्ञापन लेने से इनकार कर दिया। क्या नाम है आपका और किस पद पर है? मेरा नाम शालिनी जायसवाल है, मैं ग्राम पंचायत नैनहा बरतली में पंचायत सहायक के रूप में कार्यरत हूँ। आज अमेठी ब्लॉक आ पाई है, क्या कारण है? हम लोगों के साथ शोषण हो रहा है, 6,000 रुपए दिया जा रहा है, और काम मतलब पंचायती राज विभाग को छोड़ के अन्य विभागों से भी काम लिया जा रहा है, जैसे कि स्वास्थ्य विभाग से, मतलब हम लोग सब काम करने के लिए मतलब हैं, लेकिन 6,000 रुपए में हम लोग ये सब काम नहीं कर पाएंगे। क्राफ्ट सर्वे हम लोगों से करवाया जा रहा है, वो हम नहीं करने के लिए तैयार हैं। मांग है आपकी, कितने मांगे हैं आपकी? मांगे हमारी यही है कि हम लोगों को अस्थाई कर दिया जाए, और आज हम लोग यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आए थे, वो लिया नहीं गया। किसको देने आए हम लोग? BDO सर को देने आए थे, उन्होंने मना कर दिया लेने से। क्या कहा? कहे कि आप लोग राजनीतिक मंच बना के रखे हैं, हम लोगों के वो लेने से मना कर दिए हैं। इसके पहले हम लोगों का भी हड़ताल भी नहीं किया। इसके पहले हम लोगों का कोई हड़ताल नहीं रहा है, पर भी। क्या नाम है आपका, किस पद पर है? हमारा नाम विकास पाल है, मैं ग्राम पंचायत खिलौनक पंचायत सहायक पद पर नियुक्त किया गया हूँ। आज क्या कारण है कि आप लोग खंड विकास अमेठी आए हैं? हम लोग खंड विकास अमेठी ना आते क्योंकि हम लोग लगभग 2 वर्षों से काम कर रहे हैं। हम लोगों की नियुक्ति जब की गई थी तो यह जो है मुख्यमंत्री की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना के रूप में लाया गया था कि हम जो है युवाओं को नौकरी देंगे। 6,000 रुपये पे हम लोगों को यहाँ पे मनरेगा से भी कम रुपया दिया जा रहा है, और कहा गया कि जो है आप लोग पंचायत सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पे आ रहे हैं, और उसके अलावा हम लोगों को कहा गया गाँव का ही विकास करना है। लेकिन क्या हुआ, कुछ वर्षों से हम लोग देख रहे हैं कभी स्वास्थ्य विभाग का काम दे दिया जाता है, कभी कृषि विभाग का काम दे दिया जाता है, उसके अलावा अभी सब चीज़ तो था हम लोग करते चले गए क्योंकि हम लोग उसके साथ साथ अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन आज 2 दिन पहले या 1 दिन पहले हम लोग साथ ऐसा हुआ कि हम लोग बुलाया गया, आइए आपकी मीटिंग है। मीटिंग में ये किया गया जो अभी तक कार्य
फसल सर्वे का लेखपाल कर रहे थे वो काम हम लोगों को दे दिया गया, जबकि ना हमको फीता पकड़ना आता है ना हमको ये पता है कौन सी फसल कहाँ पे उगती है। कह दिए जाओ तुमको नापना, वो भी एक दो खेत, वो भी नहीं 2250 खसरे का हम लोगों को पूरा डाटा रखना, जबकि डाटा एंट्री ऑपरेटर काम ये होता है वो बैठ करके जो भी फील्ड वर्क में काम करें वो ले आएंगे, हम लोग उसको फीड करेंगे। और यहाँ पे हम लोगों को जो वेतन है वो 6000 रुपए है। ऐसे में क्या मांग है आपकी, और आज आप धरना यहाँ पे आए थे देने, ज्ञापन तो क्या हुआ, ज्ञापन लिया गया कि नहीं लिया गया? देखिए सर, हम लोगों की मांग यही है कि देखिए हम लोग एक नवयुवक हैं और सब लोग यहाँ पे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं अलग अलग की। अगर हम लोगों को इतना काम दे दिया जाएगा जहाँ पे हम लोग 12 घंटे 8 घंटे या 24 घंटे काम करना पड़ेगा तो हम लोग आने कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ यहीं तक सीमित रहेंगे तो 6000 में आने वाले समय हम लोगों का क्या होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे देने आए वीडियो साहब को, जबकि हम लोगों को जो भी सूचनाएं ग्रुप में दी जाती है हम लोग उसका पालन करते हैं। हमने यहाँ पे वीडियो साहब से ये कहा कि हम लोगों को 12 बजे आप मिलने का समय दे दीजिए। हम लोग जब ज्ञापन लेके कह रहे हैं आपने मुझको लिखित नहीं दिया है, आप मुझे ग्रुप में कोई नोटिस भेजते हैं हम लोग उसका पालन करते हैं, आपको लगातार हम लोग देते रहते हैं सूचनाएं है। और आपको हमने कहा तो आप कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा थोड़ी होता, आप लोग राजनीति कर रहे हैं। ऐसे में अगर आपकी मांग नहीं पूरी हुई तो आगे की क्या? अगर हम लोगों की मांग नहीं पूरी होती तो कल हम लोग अमेठी ब्लॉक के जितने भी पंचायत सहायक 500 हैं सब लोग कलमबंद हड़ताल करेंगे, क्योंकि हम लोग अहिंसा को मानते हैं, हिंसा करने विश्वास नहीं रखते। अगर नहीं होती है तो हम लोग उप मुख्यमंत्री को आज हमने जो है यहाँ से ब्लॉक से लेटर भेजा हुआ है, उनका अगर जो भी आता है हम लोग को कहेंगे, नहीं तो हम लोग जितने पंचायत सहायक हैं कुछ दिन तक धरना पर रहेंगे, नहीं तो एक साथ हम लोग या इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे, क्योंकि हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाने वाले हैं। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।